सरोकार। गौष्टमी के अवसर पर गौ माताओं की सेवा, गौ सेवा मंडल द्वारा खिलाई गई गायों को रोटी। विधायक ने किया धान केंद्र का शुभारंभ, टोकन तुहर हाथ ऐप किया लॉन्च, किसानों को मिलेगा लंबी लाइन से छुटकारा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन, साइंस कॉलेज मैदान में किया गया आयोजन। कटघोरा जिला बनाओ अभियान हुआ तेज, जिला अध्यक्ष ने युवा कार्यकर्ताओं के साथ निकाली पदयात्रा। ब्लैक बोर्ड के अभाव में पंडो जनजाति के बच्चों का भविष्य उधर में, अधिकारी नियमित रूप से नहीं करते निरीक्षण। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि सभी प्रदेशवासियों को 23वें राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं, और छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, उन सपनों को हम सब साकार कर रहे हैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां बेजुबानों की रक्षा और सेवा के लिए गौ सेवा मंडल सरगुजा ने गौ अष्टमी के अवसर पर अंबिकापुर शहर में गौ सेवा के लिए करीब 15,000 रुपए की राशि का योगदान दिया और पशु चिकित्सालय में स्थित मवेशियों को, साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों में विचरण कर रहे मवेशियों को रोटी के साथ साथ गुड़ और केले भी खिलाया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताया गया कि बेजुबान जानवरों के प्रति हर किसी को समर्पित भाव से सेवा करना चाहिए। ये गौ सेवा मंडल सरगुजा के द्वारा 10,000 रोटी आज ही बेजुबानों के को बांटने का लक्ष्य रखा गया था और शहर वासियों से एक अपील की गई थी कि अपने घर से एक, दो या अधिक जितनी भी रोटी आप देना चाहें हमें दें और हम बेजुबानों को खिलाएंगे। तो 10,000 रोटियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन आशा से अधिक 15,000 से भी अधिक रोटियां एकत्रित हो गई और साथ साथ अन्य सामग्री भी, जैसे कि गुड़ हो गया, ब्रेड वगैरह हो गए, फल हो गया। लोगों ने भारी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये गौ सेवा मंडल सरगुजा जो है, पिछले 5-7 वर्षों से इस अंबिकापुर शहर में एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है कि बेजुबान जानवरों का गौ सेवा मंडल के तत्वाधान में सेवा होता है। प्रतिदिन अगर किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना अगर गौ वंश या और किसी प्राणी के साथ होता है तो गौ सेवा मंडल तत्काल 12-1-2 बजे रात को भी एक पैर में खड़े होकर अपने पूरे संसाधन के साथ जुटकर कार्य करती है। आज गौ अष्टमी है और हर समय हम लोग इस साल गौ अष्टमी के दिन हम सोचते हैं कि शहर में कुछ अनोखा कर लोगों को एक मैसेज दें, संदेश दें बेजुबानों के प्रति। तो आज हमने, पिछले साल हमने 5,000 रोटियों का काम किया था, इस बार हम 10,000 रोटियों का रिकॉर्ड तोड़े, जो शायद छत्तीसगढ़ में कभी ऐसा हुआ हो। 10,000 रोटी हम पूरे शहर में जितने गौवंश हैं, जितने बेजुबान हैं, सबको हम घूम घूम के पूरे शहर में खिलाने का काम करेंगे। ये हमारे गौ सेवकों के द्वारा एक आज गोपाष्टमी के अवसर पर 10,000 रोटियां सभी गायों को, जहां जैसे जो शहर में विचरित करते हैं, जो घर से छोड़ दिए जाते हैं, उनको खिलाने का हमारा ये अभियान था आज गोपाष्टमी के अवसर पर। और इसमें पूरे अंबिकापुर शहर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज हमारा टारगेट था 10,000 रोटियों का, वो लगभग 15,000 से ऊपर रोटियां आ गए हैं। घर वालों ने अच्छा, सभी घर वालों ने अच्छा सहयोग किया, इसमें हमारे गौ सेवक मंडल के सारे सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कटघोरा जिला बनाओ अभियान को लेकर एक बार फिर मुहिम तेज हो गई है। कोरबा युवा कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष विकास सिंह ने कटघोरा जिला बनाने की मांग को लेकर कटघोरा तहसील कार्यालय में रायपुर मुख्यमंत्री निवास तक 205 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही है। इसके साथ बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता भी साथ दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष सीएम भूपेश के सामने कटघोरा को जिला का दर्जा दिलाने का आग्रह करेंगे। कटघोरा विधायक जी,
और पाली ताना खार के विधायक जी मोहित करकट्टा जी, पुरुषोत्तम कंवर जी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को प्रारंभ किया, जिसमें पूरे युवा कांग्रेस साथ ही साथ में हैं, प्लस कटघोरा के आमजन का सहयोग है, महिला कांग्रेस, अधिवक्ता संघ, पत्रकार संघ, सभी का सहयोग मिल रहा है। और हम लोग 6 दिन तक कटघोरा से रायपुर तक पैदल मार्च करेंगे और माननीय भूपेश बघेल जी से अनुरोध करेंगे कि कटघोरा को जिला बनाएं। जो ये पद यात्रा है कटघोरा से चलकर रायपुर तक जाएगा और हमें पूरा विश्वास है, हमारा टैगलाइन है कि भूपेश है तो भरोसा है। हम अपने परिवार के मुखिया के पास अपनी मांग को लेकर जा रहे हैं। कटघोरा और पाली ताना खार की जो जनता है वो कटघोरा जिला की मांग कर रही है। हम अपने पिता स्वरूप मुखिया के पास, हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की भावनाओं के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। गांधी जी से प्रेरित होकर, जैसा कि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब माननीय भूपेश बघेल जी गांधी जी के विचारों वाले हैं, हम भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए ये पद यात्रा कर रहे हैं। कटघोरा से लेकर हमारे सारे साथी जिला युवा कांग्रेस के और साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग पैदल मार्च करते हुए हम अपने परिवार के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी से मुलाकात करेंगे और उनको अवगत कराएंगे हमारे क्षेत्र की भावनाओं और विकास के लिए जिला बनना कितना जरूरी है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां के विधायक ने अपने गृह ग्राम पर इस्पाल के धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा कर धान खरीदी की शुरुआत कराई और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल टोकन तुन्हर हाथ का भी शुभारंभ किया। बता दें कि इसमें अब सभी किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें लंबी लाइन में लगने से छुटकारा मिलेगा। ये हमारे भूपेश सरकार की उपलब्धि है, देन है, जो हमारे किसान इस चीज को लेकर काफी खुश हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात इस बात की है कि और हमारे भूपेश सरकार के द्वारा कि इस बार 1 नवंबर से धान खरीदी का जो तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हर बार क्या होता है बारिश में धान बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, जो रखे लेट हो जाते हैं। इस वजह से इस बार पूरे किसान अच्छे समय में और अच्छा धान बिक्री करेंगे। गौ अष्टमी के मौके पर गौ रक्षा वाहिनी एवं देवहरा बाबा सेवा समिति के सदस्यों ने प्रेम बाग शिव मंदिर में गौ माता की पूजा पूरी विधि विधान से की। इसके बाद गौ माता को गुड़ चना मिष्ठान खिलाया। इस दौरान देवहरा सेवा समिति के अध्यक्ष शैलेश शिवहरे ने बताया कि प्रतिदिन गौ रक्षा वाहिनी द्वारा संचालित रोटी रिक्शा बैंक के द्वारा घर घर जाकर रोटी कलेक्ट की जाती है और सदैव गौ रक्षा वाहिनी की पूरी टीम प्रतिदिन गौ सेवा कार्य करती है। तो वहीं गौ रक्षा वाहिनी के जिला अध्यक्ष अनुराग दुबे ने बताया कि गौ अष्टमी का महत्व काफी है। हमारे धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, इसलिए गौ अष्टमी का पर्व शहर के गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक लोगों द्वारा मनाया गया। अष्टमी का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। पहली रोटी हमारे घर से निकलने वाले गौ माता को खिलाई जाती है और आज सामाजिक संगठनों के द्वारा सभी के सहयोग से गौ रक्षा वाहिनियों के द्वारा गौ माता गौ अष्टमी मनाया जा रहा है, जिसमें मिष्ठान खिलाकर गौ पूजा की जा रही है। गौ रक्षा वाहिनी द्वारा प्रतिदिन गौ माताओं की सेवा की जाती है, उनका इलाज, उनका खाने की व्यवस्था। और आज गौ माता के पवित्र पर्व पर गौ रक्षा वाहिनी एवं व्यवहार सेवा समिति के सदस्यों द्वारा शहर में स्थित गौशालाओं में जाकर गौ माता की पूजा अर्चना की गई। हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार गौ अष्टमी, उसी के आज शुभ अवसर पर गौ रक्षा वाहिनी संगठन, देवराहा बाबा सेवा समिति और भी जो सामाजिक संगठन है उनके सभी सहयोगियों के द्वारा प्रेमाबाग प्रांगण, बाल मंदिर प्रांगण और तलवा पारा जो शहरी गौठान है वहाँ गौ माता को जाके गुड़ चना रोटी मिष्ठान ये सब खिला करके गौ अष्टमी मनाई जा रही है। निरंतर कई वर्षों से हमारे द्वारा किया जा रहा है। मामला सरगुजा के लखनपुर विकास खंड के ग्राम चिलबिल पंडोपारा प्राथमिक शाला का है, जहां एक तरफ राज्य की सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और विद्यालय की स्थिति में सुधार के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बच्चों की बैठने की जगह नहीं है विद्यालय में, बच्चों की पढ़ाई बरामदे में जमीन पर कराई जा रही है, स्कूल में शौचालय के साथ साथ पेयजल की भी परेशानी है। वहीं इन सब के वरिष्ठ अधिकारी अनजान बने हुए हैं।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी से चर्चा हुई है मेरी और कल हमने उनसे रिपोर्ट मांगी है इस संबंध में। और अगर ये चीज़ें बहुत गंभीर प्रवृत्ति की है और अगर ये चीज़ें प्रूफ होती है तो हम ये मानते हैं कि निरीक्षण की व्यवस्था, जिसको हमने काफ़ी प्राथमिकता से किया था, निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। और निरीक्षण करने वाला वहाँ का प्राधिकारी, चूँकि सबसे महत्वपूर्ण संकुल समन्वयक हैं, तो हम संकुल समन्वयक के ऊपर इसकी जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे और इन कमियों, सबसे हमारा पूरा फोकस इस बात पे होगा कि ये कमियां दूर हों। खबर रायपुर से है, जहां 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राजोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में उद्घाटन किया। वहीं अतिथियों के स्वागत के लिए साइंस कॉलेज मैदान, मुख्य मंच और पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के इस अनूठे आयोजन का यह तीसरा मौका है। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।